घूर क्या रहा है बे? अबे ये ले। और ये तू भी ले साले। तो है व्हाट्स अप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार आप सबको तो पता ही है कि मैं कौन हूँ। कुत्ता है तो कुत्ता। गजब बेइज्जती है। तो यार गाइस आज आप सभी को काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि भाई आज मैं आप लोग को अपने वॉइस टाउन सिटी में ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसे आप लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। अरे भाई आप कौन हो? और पहले मैंने कभी भी आपको अपने वॉइस टाउन सिटी में नहीं देखा। लेकिन अब मैं तुझे इस वॉइस टाउन सिटी में रोज दिखाई दूंगा भाई, क्योंकि अब इस वॉइस टाउन सिटी पे मेरा राज होगा। अरे भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अबे मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ टिप्सन, तू बोल देना अपने चमचे रो फिरो से कि अब इस वॉइस टाउन सिटी पे मेरा राज होगा, और अगर वो बीच में आया तो मैं उसे खत्म कर डालूंगा। और तुम रो फिरो से कह देना कि वो सिटी छोड़कर चला जाए। अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, हमारे वॉइस टाउन सिटी फिर से खतरे में पड़ गई। लगता है मुझे रो फिरो को कॉल करके बताना होगा। हाँ रो फिरो को कॉल करके बता ही देता हूँ। हाँ हेलो रो फिरो, जल्दी से तुम मेरे घर पे आ जाओ, जहाँ कहीं भी हो जल्दी से तुम मेरे घर पर आ जाओ। लेकिन टिप्सन भाई, अरे यार ये तो फोन ही कट कर दिया। तो गाइस यार टिप्सन भाई अभी इतने जल्दी में था कि उसने कॉल तुरंत ही कट कर दिया। तो गाइस यार अभी हमें जाकर पता करना होगा कि टिप्सन भाई इतना जल्दी में क्यों था और उसने मुझे अर्जेंटली अपने घर पर क्यों बुलाया। तो गाइस मैं ना अभी अपने इस हेलीकॉप्टर से जाऊंगा टिप्सन भाई के घर। तो गाइस यार चलो मैं हेलीकॉप्टर में बैठ चुका हूं और अभी बारी आ गई इसको स्टार्ट करने की। तो गाइस मैंने यहां से हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर लिया और ये क्या गाइस, ये तो बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्लाई करने भी लगी है। और भाई मैं हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलाता हूं। तो गाइस यार देखो मैं कितनी जल्दी टिप्सन भाई के घर भी पहुंच चुका हूं। तो भाई मैं यहां पर कहीं अच्छे तरीके से लैंड कर लेता हूं हेलीकॉप्टर को, क्योंकि अगर हमसे थोड़ी भी गलती हुई तो पुलिस वाले सारे के सारे हमारे पीछे ही लग जाएंगे। तो गाइस मैं कहां पर लैंड करूं? तो यहां पर मुझे लगता है मैं टिप्सन भाई के घर के साइड में लैंड कर लेता हूं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो गाइस यार चलो अभी हम हेलीकॉप्टर से भी उतर चुके हैं तो अभी बारी आ गई टिप्सन भाई से मिलने का। तो गाइस यार ये रहा हमारा गांडू सी शक्ल वाला टिप्सन भाई। अरे टिप्सन भाई बोल तू इतने जल्दी में क्यों था? तूने मेरा बात सुने बिना ही कॉल को कट कर दिया। अरे रो फिरो बात ही ऐसी है, GTA 5 से एक बंदा आया था और वो बोल रहा था कि अब वॉइस टाउन सिटी पे उसी का राज होगा, और तो और जो भी बीच में आने की कोशिश करेगा वो उसको टपका देगा। और रो फिरो उसने तुमको धमकी भी दी, वो बोल रहा था कि तुम ये वॉइस टाउन सिटी छोड़कर चले जाओ। लेकिन टिप्सन भाई उस बंदे का नाम क्या था? रो फिरो वो अपना नाम फ्रैंकलिन बता रहा था। तो टिप्सन भाई अभी वो बंदा कहाँ पर होगा? रो फिरो इसके बारे में तो तुम्हें पास की छत पे रहने वाले गुंडे ही बता सकते हैं, क्योंकि वो ही इन सब गुंडों की इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है तो टिप्सन भाई मैं अभी उन गुंडों से पता कर लेता हूँ कि वो फ्रैंकलिन कहाँ पर मिलेगा, और उसके बाद तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो गाइस यार अभी हमें चलना पड़ेगा पास वाले छत पे, क्योंकि वहीं पे वो दोनों गुंडे रहते हैं, और गाइस उनसे ये पता करना पड़ेगा कि वो फ्रैंकलिन मुझे कहाँ पर मिलेगा। बट यार गाइस वो गुंडे हमें जल्दी नहीं बताएंगे फ्रैंकलिन के बारे में, तो हमें उसके लिए उसे पीटना भी पड़ेगा। तो गाइस यार आज हम गुंडों की धुलाई भी करने वाले हैं और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा गुंडों की धुलाई देखकर। तो गाइस अभी मुझे इस ग्रीन सर्कल के अंदर जाना है, तो मैं जैसे ही ग्रीन सर्कल के अंदर जाऊंगा मैं गुंडों के पास पहुंच जाऊंगा, और लो मैं पहुंच भी चुका हूं। तो चलो यार गाइस इनसे पता करते हैं। अरे भाई रुक जा भाई। तू कौन है बे? अरे यार भाई मुझे बस फ्रैंकलिन का पता चाहिए। क्यों रे, तू फ्रैंकलिन से क्यों मिलना चाहता है बे? अरे भाई यार मुझे फ्रैंकलिन से कुछ अर्जेंट काम है, इसीलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ, और उसी फ्रैंकलिन ने ही मुझे बुलाया था। हम नहीं बताएंगे बे। अब देख पानी सिर से ऊपर हो रहा है, जल्दी से बता दे फ्रैंकलिन कहाँ, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं नहीं बताऊंगा। देखो भाइयों मैं तुम लोगों से लड़ाई नहीं करने आया हूँ, क्योंकि मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। तुम जल्दी से मुझे बता दो कि फ्रैंकलिन कहाँ पर है। हम नहीं बताएंगे बे। तो गाइस यार अभी लगता है कि मुझे इनकी धुलाई करनी चाहिए। तो गाइस यार अभी आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा, तो देखो मैं इनकी कैसी धुलाई करता हूँ। चल जल्दी से बता कि फ्रैंकलिन कहाँ पर है। नहीं बताऊंगा भाई। तो गाइस यार इतना लात खाने के बाद ये तो फ्रैंकलिन के बारे में बता नहीं रहा, तो चलो इस बुड्ढे से पूछते हैं। चल बुड्ढे तू बता फ्रैंकलिन कहाँ, जल्दी से बता। नहीं बताऊंगा भाई। बोल बताएगा कि नहीं बुड्ढे? और यार गाइस बुड्ढा यहाँ पर मर चुका है फिर भी इसने बताया नहीं। तो गाइस यार चलो इसी को दोबारा से मारते हैं और दोबारा से पूछते हैं। चल बता जल्दी फ्रैंकलिन के बारे में, बोल बताएगा कि नहीं। नहीं बताऊंगा भाई। तो आज मैं भी तेरे को नहीं छोड़ूंगा भाई। और अभी ये तूने काम की बात की है। अबे साले अगर पहले ही तूने बता दिया होता कि फ्रैंकलिन कहाँ है तो अभी तेरी हड्डियाँ सही होती। चल अब जल्दी से बता कि वो फ्रैंकलिन मुझे कहाँ पर मिलेगा। अरे भाई वो फ्रैंकलिन कैसीनो पे आने वाला है।
तो फाइनली यार गाइस हमें पता चल चुका है कि फ्रैंकलिन कहां पर आने वाला है। तो गाइस यार फ्रैंकलिन हमारे कैसीनो के छत पर आने वाला है और अभी हम जा रहे हैं कैसीनो के छत पे। और वहां पे ना गाइस हमें रुककर थोड़ी देर वेट करनी होगी क्योंकि अभी फ्रैंकलिन के बारे में मुझे पता नहीं है कि वो कब आने वाला है। गाइस यार मुझे बस इतना पता है कि वो सुबह होते ही फ्रैंकलिन कैसीनो के छत पर आता है। तो चलो यार गाइस अपने कार को अभी और फास्ट भगाते हैं। लो यार गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैसीनो के पास। तो गाइस यार अभी हम चलेंगे कैसीनो के छत पे। तो लो यार गाइस मैं कैसीनो के छत पर आ चुका हूं, बट यार गाइस अभी मुझे यहां पर फ्रैंकलिन नहीं दिखाई दे रहा। तो चलो यार भाई मैं थोड़ी देर के लिए इस रूम के अंदर जाकर सो जाता हूं, तब तक फ्रैंकलिन भी आ जाएगा। अबे रोफिरो तू कहाँ है बे? डर कर कहाँ छुप गया है? कायर कहीं का दम है तो सामने निकल बे। तू तो खुद को हीरो समझता है इस वॉइसटॉन सिटी का, लेकिन अभी कहाँ छुप कर बैठ गया? लगता है रोफिरो ये वॉइसटॉन सिटी ही छोड़कर चला गया मेरे डर की वजह से, और लगता है वो कभी वापस भी नहीं आएगा। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ले फ्रैंकलिन मैं वापस आ चुका हूँ, दम है तो हाथ लगा के दिखा। ये ले साले रोफिरो, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, आज मैं तुझे मारकर इस वॉइसटॉन सिटी पे राज करूंगा। अबे फ्रैंकलिन लड़ाई तो होती रहेगी, लेकिन एक मिनट रुक जा, तू जरा हमारे व्यूअर्स को बोल दे कि वो वीडियो को लाइक कर दे। साले तेरी तो ऐसी की तैसी लाइक की। रोफिरो तू पहले अपने बारे में सोच, क्योंकि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे साले बेवकूफ कहेंगे, पहले पकड़ के तो दिखा। अरे रोफिरो तू तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्यों बे फ्रैंकलिन, तुझे क्या लगा था कि मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ? और अभी देख मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाता हूँ, और ये ले मेरी लास्ट पंच और तू गया। वो यार गाइस फ्रैंकलिन खत्म हो चुका है। तो गाइस यार आप लोग वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैंने फिर से एक बार अपने वॉइसटॉन सिटी को बचा लिया है।